अभी मड आइलैंड से मीरा रोड ट्रैवल कर रहा हूँ, और लॉकडाउन में ट्रैवल करने का मुझे कोई शौक नहीं है, तो बस मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो मेरे साथ मेरा पूरा सामान है। तो बस दिक्कत इतनी सी है कि मीरा रोड और मड आइलैंड के बीच में दहीसर चेकनाका पड़ता है, और चेकनाका पे क्रॉस करने के लिए मतलब पूरा वेरिफिकेशन मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने पूरा बनवा लिया है, तो ये दिखाता हूँ मैं पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मेरी फोटो पुरानी है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेरा कोरोना का टेस्ट हो गया है और मैं पास हो गया हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं है, मैं सेफ हूँ। तो मैं अब मीरा रोड जा रहा हूँ। प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि थोड़ा चेकनाका पे देखना पड़ेगा कि मुझे परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी जाने के लिए, क्योंकि मेरे पास पास नहीं है पुलिस का, और मेरे पास लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट पूरे हैं। आपको मैं एक बात बोलता हूँ, आपके मोबाइल में कम से कम कितने कॉन्टेक्ट आते होंगे? 450 450। मैंने आपका कॉन्टेक्ट मैंने सिर्फ 50 ही पकड़ा। हाँ। 50 में से कोई बोला है क्या मेरा भाई मर गया है, क्या मेरा चाचा मर गया है, क्या मेरा भतीजा मर गया कोरोना वायरस से? आपको कभी ऐसा लगा? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला। ठीक है, आपको आप जैसा गवर्नमेंट को यहाँ की जो गवर्नमेंट जो बोल रही है तो लॉकडाउन का मतलब होता है कि आदमी जगह पे लॉक हो जाए। हाँ। ये लॉक तो हो रहा नहीं है। हाँ। ये जैसा तो सही बोल रहे हैं, देखो कोई कुछ लॉक नहीं हो रहा, ये पब्लिक घूम रही है फिर रही है, खाली परेशानी किसको हो रही है? जो यहाँ पे जो लोग डेली कमा के खाते हैं पीते हैं, जो भी रोड पे सोते हैं, उन्हीं को तकलीफ है, बाकी किसी को तकलीफ है नहीं है। तो फिर ये लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ? या बेकारी मार दो। रास्ता बंद किया हुआ है, तो अभी 5 जगह से हम इधर उधर से घूम घूम के जा रहे हैं और कहीं भी रास्ता खुला नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं अब क्या होता है। बहुत ज्यादा भूख लगी है मेरे को, लेकिन सब बंद है। ऑलमोस्ट मैं दहीसर चेकनाका के पास पहुंचने वाला हूं, तो देखते हैं कि मुझे परमिशन मिलती है नहीं मिलती है ऑटो ले जाने की, और नहीं मिलेगी तो फिर मुझे पैदल जाना पड़ेगा। तो मतलब यहां से दहीसर चेकनाका से मुझे आप काशी मीरा का जो फ्लाईओवर है वहां पे उतार के और लेफ्ट मुड़ के जो शिवाजी ब्रिज है वहां छोड़ देंगे ना? नहीं, जिधर शिवाजी पुतला है, शिवाजी पुतला उधर छोड़ देगा। हाँ, अंदर अलाउ नहीं है भाई, अंदर जाने का अलाउ नहीं है, जल्दी जाना। लेकिन उसका 200 रूपए थोड़ा सा कुछ तो करो यार, मगजमारी करना पड़ता है। हाँ, सामान हल करा दो यार मेरा, सामान बहुत ज्यादा है, तो थैंक्स टू गॉड कि मुझे ऑटो मिल गया। लेकिन ऑटो भी थोड़ा सा उसके थोड़ा सा आगे तक लेके जाएगा मुझे चेकनाका से, ये सामने चेकनाका है तो ये पार करना पड़ेगा, तो वो थाने में पड़ता है, तो इस वजह से हमारे मुंबई वाले ऑटो वाले भैया अलाउड नहीं है जाने के लिए वहां पर, तो मेरी हेल्प कर रहे हैं, थैंक यू भैया। और मेरा सामान बहुत ज्यादा है, पिला दो कोई मुझे पानी। अंकल मास्क बेच रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हेलो अंकल। बुलाती है मगर जाने का नहीं। अच्छा, ये अच्छी बात है, ऑटो वाले भैया ऐसी सीखी है इनसे कि ये ऑटो वाले भैया उन्होंने लगाया हुआ मास्क और एक और मास्क ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंख। अबे साले, सर लाल आगे देखिए ना, लाल लगाइए, लाल लगा के देखिए, मस्त लगी है ऑरेंज की। अरे क्या बात है, एकदम झकास। तो मुझे डर था कि परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे अलाउड है जाना,
बहुत बहुत शुक्रिया भगवान का कि मुझे जाने को मिल गया, नहीं तो मुझे यहाँ से बहुत दूर पैदल जाना पड़ता। अभी भी जाना पड़ेगा मुझे पैदल, क्योंकि भैया मुझे सिर्फ फ्लाईओवर के नीचे छोड़ेंगे, घर के पास ही छोड़ेंगे, तो घर वहां से लगभग 5 या 7 किलोमीटर पड़ता है, तो इतना तो मैं ट्रैवल कर लूंगा पैदल पैदल। लेकिन दिक्कत क्या है, सामान बहुत ज्यादा है। और अभी हम एंट्री करने वाले हैं मीरा रोड में, जो थाने में है, तो मुंबई मैंने क्रॉस कर दिया है, तो मीरा रोड में ये सामने मीरा रोड की मतलब थाने की एंट्री है, ये बॉर्डर है मुंबई और थाने का, और ये हमने क्रॉस कर लिया। तो अभी आ गया है डेस्टिनेशन, तो लेकिन थोड़ा सा ऐसे मुझे चलना पड़ेगा पैदल 3-4 किलोमीटर। तो उतरते हैं और सामान थोड़ा सा निकाल लेते हैं, सामान बहुत सारा है, तो लेट्स सी। अभी पैदल चल रहे हैं, तो ज्यादा नहीं, बस 1 किलोमीटर और रह गया। एट लास्ट मैं पहुंच चुका हूं मेरा रोड। मेरे सामने खड़े हैं जो मुझे रिसीव करने आए थे हैंड सैनिटाइजर के साथ, और सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने पालन किया, और कम से कम 2 मीटर का गैप है, तो आइए मिलवाते हैं नन अदर देन दीपक अरोड़ा। लिफ्ट खुल रहे हैं भाई साहब, के टाइमिंग लिफ्ट खुलने की, और अभी हम प्रॉपर केयर कर रहे हैं, क्योंकि सारा सामान मुझे उठाना पड़ रहा है, क्योंकि सैनिटाइज करना है घर जाके, सैनिटाइज करने के बाद ही होगा। हट जा, तो जनाब कैसा लग रहा है आपको, सैनिटाइजर दिखा दीजिए कैसा है, मेरे फोन में मार दो जिससे। तो बहुत अच्छी बात है, सैनिटाइज हो गए, थोड़ा मेरे मुंह में मार देगा, नहीं मारना। तो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? एग्जॉस्टेड। दैट्स ग्रेट थिंग। बाय गाइस, थैंक यू। तो आइए और अभी आपको मिलवाते हैं एक और हमारे स्पेशल गेस्ट। उतार क्या करो, सत्य जी कैसे हैं आप? सत्य जी हमारे बड़े प्यारे इंसान, जो 6 पैक्स आप निकाल के बहुत चौड़े हो रहे हैं। हाँ जी, एट। ये देखिए, तेरी कितनी है? 2। छोड़ रहे, देखेंगे बाद में, ठीक। ये दे, अच्छे इस पे मार देना कपड़े सब पे, सैनिटाइजर पूरे इस पे। ये स्प्रे सिस्टम हो रहा है, मेरे जूतों पे स्प्रे लग रहा है। दीपक अरोड़ा हमारे फुल सैनिटाइज कर रहे हैं मेरे सामान को, बहुत बढ़िया। ये पिचकारी जा रही है, हैप्पी होली गाइस विद सैनिटाइजर होली। अभी मेरे ऊपर आ रहा है, राइट। मैं पूरा सैनिटाइज हो रहा हूँ, राइट। अरे पूरा सैनिटाइज सिस्टम चल रहा है मेरा। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने दोस्त के घर पे, और अब मैं होने जा रहा हूँ फुली सैनिटाइज्ड, क्योंकि मेरा सामान सैनिटाइज हो गया है, मेरे बाहर के कपड़े सैनिटाइज हो गए, लेकिन अंदर से भी सैनिटाइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं नहाया नहीं, तो मैं नहाने जा रहा हूँ, तो सैनिटाइज होने जा रहा हूँ। तो आप भी अपना ध्यान रखिए, और कहीं भी जाएं तो सेफली जाएं, वियर मास्क और सैनिटाइजर का यूज करें। तो जाते जाते एक बात और,
keep yourself locked.